नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लली जहांगीर और आज हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ खास विशेषताओं के बारे में। इसके अंदर पहले यह है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कम प्रवेश लागत लगती है। कहने का मतलब यह है कि हम कुछ सामान खरीद कर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और वह सामान हम कहीं ना कैसे तो जरूरत के हिसाब से हम बाज़ार से खरीदते ही हैं, वही सामान हमें यहाँ से खरीदना है। तो इसमें देखा जाए तो न्यूनतम कॉस्ट से ही हम इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दूसरी इस बिजनेस की विशेषता ये है कि हम इस बिजनेस को अगर नहीं करना चाहें, शुरू करके अगर हम चाहते हैं कि हम इस बिजनेस को नहीं करें, तो इसकी कॉस्ट है बिजनेस छोड़ने की, वो जीरो आती है। कहने का मतलब ये है कि हम इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो हमने सामान खरीदा था, वो सामान हमारे घर में जरूरी सामान जो हमारे घर में काम आ सकते हैं या काम आते हैं, तो कहने का मतलब है कि हम जो सामान खरीदा है उसकी हम सेवा ले चुके हैं, तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट है वो जीरो आती है। तीसरी इसकी विशेषता ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग की तीसरी विशेषता ये है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इसमें इसको स्थापित करने के लिए जो खर्चा आता है वो बिल्कुल शून्य आता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर रहते हैं तो उसके अंदर दुकान का किराया, उसका ऑफिस, उसका स्टाफ, उसकी कार्यशील पूंजी, इनकी जरूरत पड़ती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इस किसी भी तरह के खर्चे की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा जैसे दूसरा इसकी चौथी इस बिजनेस की चौथी विशेषता यह है कि मान लीजिए कोई दूसरा काम है, उसके अंदर क्या होता है कि बैंक अकाउंट खोलिए, दुकान का किराया है, बैंक लिमिट है और भी तरह का कोई लाइसेंस लेने हैं, तो इस तरह की समस्या इस बिजनेस में नहीं है। इसमें हम बिना किसी स्टाफ, इस बिजनेस के अंदर न कोई स्टाफ की जरूरत होती है, न ही कोई बैंक लिमिट की जरूरत होती है, तो इस बाकी बिजनेस में जो परंपराएं होती है वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इसकी चौथी विशेषता ये है दोस्तों। इस बिजनेस में ये भी है कि मान लीजिए कि दूसरे बिजनेसों में क्या है कि ना पैसे उधार करने की झंझट है, पैसे डूबने की झंझट है, इस तरह की किसी भी तरह की समस्या इस बिजनेस में नहीं है। सबसे बड़ी खासियत इसमें यह है कि ना इसमें पैसे डूबने की कोई संभावना नहीं रहती है। और इस बिजनेस की अगर पांचवी विशेषता के बारे में बात करें तो इसके अंदर ये है कि ना इसमें जो कार्यशील समय है वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आप चाहते हैं कि मैं इसको इस बिजनेस को एक घंटे देकर ही शुरू करना चाहता हूँ तो आप चाहते हैं तो इसको एक घंटे दीजिए, आप चाहते हैं तो मैं इसको दो घंटे दूँ तो आप चाहते हैं तो उसको दो घंटे दे, आप चाहते हैं मैं इसको पूरा दिन दूँ तो आप उसको पूरा दिन दे सकते हैं, आप चाहते हैं मैं तो ना इसको सप्ते में केवल एक दिन ही देना चाहता हूँ तो आप अपनी सुविधा के अनुसार आप इस बिजनेस को एक दिन सप्ते में एक दिन भी दे सकते हैं। आप इस बिजनेस को किसी भी तरह शुरुआत कर सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी विशेषता ये है। और इस बिजनेस की हम छठी विशेषता के बारे में बात करें तो इसके अंदर ये है कि इसमें कम निवेश की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप दूसरा काम को स्टार्ट करते हैं, आपको दूसरा को बिजनेस करते हैं, उसके अंदर क्या है कि बिजनेस अगर स्टार्ट करने के बाद में हमको और पैसा लगा के निवेश करने की जरूरत पड़ती है, कहने का मतलब और इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि ना कोई कपड़े की दुकान लगाई तो उसने दुकान खोली, और दुकान खोलने के बाद में उसको है ना और सामान खरीदने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए अंदर उसको और निवेश करने की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर इस तरह की झंझट नहीं है। इसके अंदर ये है कि हम अपने जरूरत का सामान खरीद कर इस बिजनेस को मेंटेन रख सकते हैं, बिल्कुल कम निवेश की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये कि हम जरूरत का जो सामान आता है घर में हमारे, वो सामान तो हम कहीं ना कहीं से खरीदते ही हैं, वही सामान खरीद कर हम इस बिजनेस में को आगे बढ़ा सकते हैं। उस जरूरत का सामान खरीदने को ही हम इसमें निवेश कहते हैं। इस बिजनेस के एक विशेषता ये भी है दोस्तों कि इस बिजनेस में को सपोर्ट करने के लिए, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए इसमें एक सिस्टम है, एक टीम है, वो इस बिजनेस को बिल्ड करने में मदद करती है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हम कोई दूसरा बिजनेस करते हैं बाजार में या मार्केट में, हमको दूसरा बिजनेस शुरू करते हैं, उसके अंदर हमारी कोई मदद नहीं करता है। देखा जाए तो हमको कोई जानकारी भी नहीं देता कि कौन सा माल कहाँ से खरीदना है, क्या करना है, कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, कैसे इस बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं, वो भी जानकारी हमको नहीं देता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी है दोस्तों कि यहाँ पर इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको पूरी टीम मदद करती है, पूरा सिस्टम सपोर्ट करता है, और वही सिस्टम ने बहुत से लोगों को सफल बनाया है। तो ये सिस्टम आपको मदद करेगा। इस सब बिजनेस की सबसे बड़ी विशेषता यह है दोस्तों इस बिजनेस की एक विशेषता ये भी है कि इस बिजनेस को हम चाहते हैं तो हमारा पूरा परिवार
यहाँ देखा जाए तो हमारे परिवार के सभी सदस्य इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, हमारी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा बिजनेस होता है, मान लीजिए दोस्तों, उसके अंदर हमारे परिवार के सदस्य हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे हमारे छोटा बच्चा मान लो, चाहे बुजुर्ग मान लो, चाहे हमारी वाइफ मान लो, चाहे हमारा बच्चा मान लो, वो भी इस बिजनेस को बिल्ड करने में या बड़ा करने में या सफल बनाने में इस बिजनेस में हमारी मदद कर सकते हैं। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों। दोस्तों अगर हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो ये है कि हम जो काम कर रहे हैं पुराना, या हम जो भी पहले से कोई काम कर रहे हैं उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। मतलब उसको जो हम काम कर रहे हैं पहले, मान लीजिए कि मैं अकाउंटिंग का काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस बिजनेस को शुरू करता हूँ तो मुझे अकाउंट मैं अकाउंट का काम करते हुए भी इस बिजनेस को मैं कर सकता हूँ। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास विशेषता है। तो दोस्तों आज हमने नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ खास विशेषताओं के बारे में चर्चा की। इससे आगे वाली वीडियो में हम नेटवर्क मार्केटिंग की और भी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, कहने का मतलब यह है कि इस बिजनेस को सफल होने के लिए सपने होने चाहिए व्यक्ति के अंदर, जज्बा होना चाहिए, सपने होने चाहिए कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे कार चाहिए, मुझे खुद का घर चाहिए, मुझे सेलिब्रिटी बनना है, मुझे फॉरेन टूर जाना है, मुझे मेरे महीने की इनकम 2 लाख रुपये मंथली होनी चाहिए। इस तरह के सपने कुछ भी हो दोस्तों, अगर वो आपका सपना है तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा रास्ता है जो आपका सपना पूरा कर सकता है। यहाँ पूरी एक टीम सपोर्ट करती है दोस्तों। तो इस बिजनेस को आप बिल्कुल कम लागत में शुरू कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें एक्चुअल कॉस्ट जीरो।